बीती रात चुनौती भरी हुई थी। कल रात प्रशासन द्वारा पूरे गुजरात के हर एक इकाइयों पर जिस प्रकार से एनडीआरएफ, गुजरात पुलिस, एसडीआरएफ, नेवी, आर्मी सभी ने एक टीम के तौर पे पूरे क्षेत्र में जो कामगिरी की है उसके कारण कहीं ना कहीं भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद से, सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से, प्रशासन के प्रोएक्टिवली कामगिरी से, देश भर के नागरिकों की दुआ से, गुजरात भर के लोगों की सावचेती के कारण आज गुजरात में अभी तक जीरो कैजुअलिटीज के आंकड़े सामने आए हैं। कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं। कुल मिला के पुलिस के 22 जितने जवान गुजरात भर में जख्मी हुए हैं सभी का इलाज चल रहा है। सभी लोग मुख्यतः सेफ हैं और भगवान द्वारकाधीश सोमनाथ दादा सबकी रक्षा करेंगे। कुल मिला के लाइट के पोल्स काफी गिरे हैं। अभी भी आप देख सकते हो भारी हवा के साथ बारिश चालू है। प्रशासन पूरी रात कामगिरी कर रहा था। सभी मंत्री ऑन फील्ड थे। कल हमने देखा प्रधानमंत्री जी देर रात को मुख्यमंत्री जी से जब बात की और सोशल मीडिया पे जब मैंने पढ़ा तो मैं स्तब्ध था। उन्होंने मानव जीवन के साथ साथ गुजरात के गीर के जंगल में रहते हुए शेरों की भी चिंता की, प्राणियों की भी चिंता की, गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की चिंता उन्होंने की। मुख्यमंत्री जी स्वयं कल सुबह से सभी मंत्रियों के साथ एवं प्रशासन के साथ संपर्क में थे। कल रात को 4 बजे उन्होंने फोन किया और रात को 4 बजे भी उनके मन में यही चिंता थी कि किसी भी नागरिकों को एवं प्राणियों को कुछ होना नहीं चाहिए, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था सभी चालू रहे और रात को सभी प्रशासन इसी प्रकार से यही स्पिरिट से काम पे लगे। हर्षभाई, कहा जा रहा था कि ये जो है 50 साल का सबसे विनाशक तूफान होगा, पर क्या इंटेंसिटी कम हुई और उसके कारण जो है नुकसान कम हुआ, या फिर प्रशासन ने पहले से जो सतर्कता रखी थी और लोगों का सहयोग मिला इसलिए नुकसानी के जो आंकड़े हैं वो अभी तक कम आए हैं? देखिए, गुजरात और खासतौर पर देवभूमि द्वारका की ये नगरी में आप खड़े हैं। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा का आशीर्वाद स्वयं पूरी सृष्टि पे बना रहा है। प्रशासन ने प्रोएक्टिवली कामगिरी की है। कोस्टल एरियाज के समंदर के तट पे जुटे हुए जो गांव है उसमें से लोगों को स्थलांतरित किया गया और सभी लोगों को, सभी नागरिकों को सेव किया गया। प्रोएक्टिवली कामगिरी के कारण आज कैजुअलिटीज सामने नहीं आई। मैं पूरे प्रशासन का आभार मानता हूं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश और उनका कांस्टेंट फॉलोअप और एक एक मार्गदर्शन के लिए उनको और पूरी टीम को आभार। कच्छ में जिस तरह से नुकसानी की बात थी, आपकी बात हुई वहां पे भी मंत्री ऋषिकेश पटेल है, कच्छ में कोई डैमेज हुआ है? क्योंकि लैंडफॉल वहां हुआ तो कितना नुकसान, क्योंकि वहां पे बहुत गंभीरता दिखी जाती थी, काफी नुकसान होगा, पर अभी तक कोई आंकड़े नहीं आए। देखिए, मेरी जिम्मेदारी देवभूमि द्वारका की थी। मैं यहाँ के रात भर यहाँ के आंकड़े लेता रहा था और गांव की परिस्थितियों की जानकारी लेता रहा था, लेकिन जितनी बात मेरी कच्छ के दोस्तों से और प्रशासन से और ऋषिकेश भाई से हुई है उसके मुताबिक कच्छ में भी प्रोएक्टिवली कामगिरी के हिसाब से समंदर के तट से कम 25,000 लोगों को स्थलांतरित करने के कारण कोई भी मृत्यु की जानकारी नहीं है। कुछ लोग जख्मी जरूर हुए हैं और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अंतिम सवाल, अब जो सबसे बेहद मुश्किल काम होगा रिस्टोरेशन का, लोगों का जीवन है पुनः वापस आ पाए, नॉर्मल हो पाए, क्योंकि कई सारी जगहों पर कच्छ में भारी बारिश की बात है, द्वारका में भी बारिश हो रही है और बिजली के खंभे भी गिरे हुए हैं, तो ये रिस्टोरेशन वर्क कब तक होगा, क्या टारगेट रख के चल रहा है प्रशासन? रिस्टोरेशन का कामगिरी ऑलरेडी चालू हो गई है। प्रशासन पहले से सतर्क था। हजारों पोल, बिजलियों की पूरी टीम हमारी तैयार है। गुजरात भर में जहां पे साइक्लोन की इफेक्ट नहीं है वहां से बिजली विभाग की पूरी टीम सौराष्ट्र कच्छ में ट्रांसफर कर ली गई थी पहले से। मैंने आपको पहले ही बताया प्रोएक्टिवली कामगिरी के कारण हम लोग सभी प्रकार से तैयार है और बिजली विभाग एकदम सतर्क है और जो कामगिरी चालू हुई है बारिश बंद होते ही ये कामगिरी
में और तेजी आएगी। धन्यवाद हर्ष भाई। तो ये थे गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, जिन्होंने कहा कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा और सोमनाथ दादा के आशीर्वाद, साथ ही प्रशासन और नागरिकों की सतर्कता के कारण कोई भी जानहानि नहीं हुई है। जितने भी लोग घायल हैं या फिर जो समस्याएं हैं वो जैसे ही बारिश कम होगी उनको अभी ट्रीटमेंट मिल रहा है और आने वाले दिनों में रिस्टोरेशन काम जो है वो वापस शुरू किया जाएगा और जो जीवन है वो सामान्य होगा। कैमरा मैन ब्रजेश रावल के साथ ब्रजेश जोशी, आज तक।